74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक अमित अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया तथा परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान सामाजिक दूरी के साथ मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा गया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अमित अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल में RPF का कार्य सराहनीय है। उन्होंने देश के अमर बलिदानियों को याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड विसर्जन की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। नमस्कार, मेरे सामने खड़े RPF के जवान सिपाही जो कोविड की लड़ाई में अग्रणी हैं, डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारे फ्रंटलाइन के कोरोना योद्धा हैं और मुझे आशा है रेडक्रॉस में हमारे साथ हैं। कोविड लगी ट्रेन यातायात निरंतर चालू रखने वाले ऑपरेटिंग कमर्शियल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिविल इंजीनियरिंग के कर्मठ रेल कर्मचारी जो इस माहौल में हर रोज लड़ाई लड़ने मैदान पर उतरते हैं, कार्मिक वित्त सुरक्षा सतर्कता के मजबूत कर्मी जो पीछे से सहारा देते हैं, NERMU OBC एसोसिएशन ST एसोसिएशन के पदाधिकारी जो आज उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आसीन PHOD एवं वरिष्ठ अधिकारीगण, इस समारोह को संपन्न करने में लगे मेरे भाइयों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की भरपूर शुभकामनाएं। हम लोग हर स्वतंत्रता दिवस पे जनगण मन गाते हैं, इस पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जनगण मन एक्चुअली 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रगान के रूप में चुना था, परंतु स्वतंत्रता और जनगण मन का उससे पुराना संबंध है। 14 अगस्त की रात में 1947 में जब हमने आज़ादी में की पहर पे कदम रखा था और जब जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण दिया था, उस स्वतंत्रता की उस बेला में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी सभा के अंत में जनगणमन गाया था। हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना की थी, किंतु शायद कुछ को ही ज्ञात है कि 115 साल पहले जब गुरुदेव ने बंगला में इस गीत की रचना की थी तो ये बंगला में था और अभी भी उसी भाषा में उन्हीं शब्दों के साथ गाया जा रहा है। ये इसलिए कि इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, हमें महसूस ही नहीं होता है कि बंगला में लिखा गया है। ये हमारी विशाल संस्कृति और संस्कृत भाषा का एक महान प्रतीक है। गुरुदेव एक सुप्रसिद्ध संगीतकार भी थे, उन्होंने इस गीत को संगीत भी दिया था और ये भी शायद एक नियति थी कि 1919 में इस गीत को कलकत्ता के बाहर सर्वप्रथम गुरुदेव ने ही गाया था, एक आंध्र प्रदेश की फ्यूजिकल
थियोसॉफिकल सोसाइटी के विद्यालय में। वैसे गुरुदेव की आवाज में जनगण हम आज भी सुन सकते हैं। मैंने इनफैक्ट वो कुछ एक ग्रुप में डाला भी है, आप लोग भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे क्रांतिकारी अलग अलग विचारधारा थे। गुरुदेव अगर नरम पत्तियों के स्पेक्ट्रम में एक छोर पे थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकदम दूसरे छोर पर। परंतु क्रांति का खेल देखिए कि जन जन मन को राजगान का दर्जा सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 1942 में जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब नेताजी जर्मनी में थे। यहाँ हमने अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, वहाँ सितंबर में वो मीटिंग कर रहे थे, एक समारोह कर रहे थे, एक जंगी समारोह हैमबर्ग में। 11 सितंबर को इस समारोह में जन जन मन को राजगान के रूप में उन्होंने बजाया था। ये इस गीत के शब्दों की शक्ति थी, इन दो महान आत्माओं को उसने एक साथ जोड़ दिया था। आज हमारा देश कोविड महामारी से निरंतर संग्राम कर रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे ने इस महामारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश भर से 10 लाख से ज्यादा प्रवासियों को बटोर कर हम पूर्वांचल क्षेत्र में लेके आए हैं। हमारे लिए ये उपलब्धि है कि देश भर में सबसे ज्यादा श्रमिक स्पेशल गोरखपुर स्टेशन पर आए थे। हमारे महाप्रबंधक श्री ललित चंद्र त्रिवेदी जी ने अपने संदेश में पूर्वोत्तर रेलवे के कोविड की लड़ाई में योगदान का विशेष उल्लेख किया है। अपने संदेश में उन्होंने हमारी आधारभूत संरचना, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, यात्री सुख सुविधाएं, ऊर्जा संरक्षण, सुरक्षा, कर्मचारी कल्याण एवं डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में हमारी विभिन्न उपलब्धियों को गिनाया। हमें इन उपलब्धियों एवं कीर्तिमानों पर गर्व। हमें अपने कर्तव्यपरायण और समर्पित कर्मचारी, पर्यवेक्षक और अधिकारियों पर अभिमान है, जिन्होंने तन मन एक करके ये सफलताएं हासिल की हैं। परंतु अब हमारे सामने और बड़ी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां भारतीय रेल के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए हैं। अब समय है कि हमें रेलवे और देश के लिए उत्पादकता, यात्री सेवा, माल परिवहन, कम खर्चे के नए आयामों को ढूंढना है। आज वो समय है कि भारतीय रेल और देश आपको पुकार रहा है। आज हमें देश को वापस देना है। इसी संबंध में कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। चाहे जो हो धर्म तो रहा तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागन, ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या अतभागन, तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, जो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। चाहे हो दक्षिण के प्रहरी या हिमगिरी वासी हो, चाहे राजा रंग महल हो या सन्यासी हो, चाहे शीश तुम्हारा झुकता हो मस्जिद के आगे, चाहे मंदिर गुरुद्वारे में भक्ति तुम्हारी जागे, भले विचारों में कितनी ही अंतर बुनियादी हो, भले विचारों में कितनी ही अंतर बुनियादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। इस आह्वान के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे साथ मिलकर 3 बार गगनभेदी स्वर में जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।